जिसे देखने की एक व्यवस्था है। मथुरा दो व्यवस्थाओं का संगम है, एक है मित्रता की और दूसरी है स्वामित्व की। स्वामित्व प्रीतिकर नहीं लगता, सेवक अगर भगवान के प्रति कोई है तो उसमें लघुता नहीं है, महत्ता है। क्योंकि कोई भी समर्थ स्वामी ज्यादातर देखा गया है, प्रायः ऐसा अनुभव किया जाता है, अपने सेवक को अपना रूप नहीं दे पाता। लेकिन जब भगवान के प्रति सेवा से जुड़ा हुआ एक भक्त भगवान का है तो भगवान अपना स्वरूप दे देना चाहते हैं, अपने आप में उसको एकाकार कर लेते हैं। संसारी तल पर स्वामी और सेवक और भक्त के तल पर स्वामी और सेवक दोनों में यही विशेषता है। बाबानंद मथुरा में बैठे हुए कंस स्वामी के पास भी जाते हैं कर चुकाने के लिए, और इसी के साथ जो सहज मित्र हैं वसुदेव उनसे भी मिलते हैं। कंस के द्वारा जब देवकी के 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया, सातवें की प्रतीक्षा थी लेकिन वह नष्ट हो गया। 8वें से जिसे उसे भय था, जिससे भयभीत होकर वह हर क्षण अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस कर रहा था, उस 8वीं की प्रतीक्षा करते करते जब समय आया, उसके जन्म की बात सुनी, उसको नष्ट करने के प्रयास में उसे नष्ट नहीं कर पाया और उससे संदेश मिला कि तुम जिसको नष्ट करना चाहते हो वो जन्म ले चुका है तुम्हारे विनाश के लिए, ये घोषणा उस कन्या से हुई जो कन्या 8 देवकी के 8वें गर्भ से संतान के रूप में देखी गई थी कंस के द्वारा। कंस उसको नष्ट करने के अभियान में विफल हो जाता है, उसके हाथ से छूटकर वह आकाशगामिनी बन जाती है। इस सूचना को देती हुई कि मुझे विनष्ट करने वाले तुम मुझे क्या मार सकोगे, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। इसी संदेश के साथ कंस ने अपने पूरे आसपास के क्षेत्र में सभी नवजात शिशुओं को खत्म करने की योजना बना दी थी। जब बाबा नंद वसुदेव जी से मिले हैं, वसुदेव जी ने कहा है बहुत उत्पात ब्रजभूमि में शुरू हो चुके हैं, आप शीघ्र जाएं, वापस जाएं। नंद बाबा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे नवजात बेटे की कुशल हो। और उधर नंद बाबा के गांव में जब गांव की गोपिकाएं गोपजन खुशियां मना रहे थे,
नंद बाबा के घर में बहुत सी माताएं खुशियां मना रही थीं। अचानक एक सुंदरी दिखी और उस सुंदरी का वर्णन सुखदेव जी महाराज बहुत ही मायावी रूप से वह अपने आप को प्रस्तुत करती है। जिसको देखकर गांव की वे नारियां ऐसा सोचने लगी कि हमारे बाबा नंद के और यशोदा के घर में पुत्र जन्म की खबर फैल जाने के साथ शायद कोई शहर की सुंदरी भी आई है और इसका आना हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। उसका वेश विन्यास बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला था। उसके व्यक्तित्व से एक शालीनता और संभ्रांत कुल की महिला का दर्शन हो रहा था। सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन करते हैं, ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिकाम ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाशशंकं पितकर्णभूषण त्रिशोल्लसत्कुण्डलमण्डितानाम। वह अपने बालों में जिसके केश बहुत ही साज सज्जा के साथ संवारे गए थे, उनको सुशोभित करने के लिए मालती पुष्पों की माला जो लगा रखी थी, उसका शरीर सौष्ठव भी एक सुलक्षण सुंदरी नारी जैसा था। उसकी उपस्थिति से ही चारों तरफ सुगंध फैल गई। उसके कानों में हिलते डुलते कुंडल उसके व्यक्तित्व को और भी सुंदर बना रहे थे। उसके बालों के कुछ लटे नेत्रों के साथ स्पर्श करते हुए उसको उसके गालों को छू रहे थे। वह धीरे धीरे आती हुई सबकी मानसिकता को मुग्ध कर देती है। और इसी के साथ भगवान कृष्ण की तरफ वह बढ़ती चली जा रही है। सभी ने यही समझा, सभी ने यही सोचा कि यह भगवान हमारे लाला को अपने आप को रोक नहीं पा रही, प्यार से गोद में लेना चाहती है। सबको ऐसा ही लगा और उसने हमारे भगवान बालकृष्ण को गोद में लेकर अभिनय किया, उसको अपने स्तनों से लगाया। किसी ने समझा नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान उसको नकारते नहीं हैं। भगवान ने जो मायावी ढंग से मिल रहा है, वो कितना ही अपनी माया में आगे हो, लेकिन मायापति की माया के सामने वह तुच्छ है। भगवान ने इस बात का प्रदर्शन किया। दूध पीने के माध्यम से
मानो भगवान बताना चाहते हैं कि तुम मुझे दूध पिलाने के लिए आई हो, दूध ही तो जन्म के साथ पहला पहला जीवन का प्रतीक है। माँ यशोदा ने दूध पिलाया और तुम भी मुझे दूध पिलाना चाहती हो, कम से कम मातृत्व का तुम्हारा रूप तो है। तुम्हारी भावना को मैं जानता हूं, मेरा स्पर्श अमोघ है, वह नारी और कोई नहीं पूतना थी, पूतना का छल था, वह बहुत प्रभावी जहर अपने स्तनों में लगा रखा था। भगवान जिस समय स्तनपान के माध्यम से उसको खत्म करने की भावना से जोर से पकड़ते हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने थोड़ी आँखों को बंद कर लिया। आँखों को बंद कर लेने के साथ बहुत सी अपनी अपनी यहाँ पर धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं कि भगवान ने आँखें क्यों बंद किया। कहते हैं भगवान शंकर भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। जब अवतार लेने किस भूमिका में थे उस समय भी भगवान शंकर स्तुति के लिए आए थे। आज रमापति श्रीपति भगवान कृष्ण ने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया, मानो स्मरण करके ये संदेश दे रहे हैं कि आपने जहर पिया था, मैं भी जहर पी रहा हूं। दूसरी तरफ इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि पूतना से यदि दृष्टि मिल जाती है तो शायद इसके प्रति करुणा पैदा हो जाए। मैं कृपा तो करने जा रहा हूं लेकिन मेरी कृपा इसके प्राणों को हर लेने के साथ में है। जब तक इसके प्राणों को हर नहीं लिया जाता तब तक इसका उद्धार नहीं है और उद्धार के लिए बहुत कठोर कर्म है। यदि करुणा आ जाती है एक दूसरे को देखने के साथ तो इसका उद्धार नहीं हो सकेगा। ये भी कहा जाता है जिस समय भगवान वामन के रूप में अवतार लिया था, बलि के द्वारा सब कुछ दे देने के संकल्प के साथ भगवान ने जब तीन पग धरती की याचना की थी, ध्यान दें याचना तीन पग धरती के लिए, बलि को लगा कि इसमें क्या है, और कुछ मांगो और कुछ मांगो। उस समय भगवान ने बताया है, एक संदेश दिया है बलि, मैं याचक हूं किंतु भिखारी नहीं। भिखारी अपना यथेष्ट कभी मान ही नहीं पाता। भिखारी को आप जितना भी दे दो वह आपसे ले लेने के बाद फिर किसी दूसरे के पास जाएगा। वह अपने पास जो कुछ भी आता है उसको पर्याप्त नहीं मान पाता,
ब्राह्मण भी याचना करता है। भगवान वामन के रूप से याचना करते हुए बताते हैं कि बलि, मैं जितना जरूरत समझता हूँ उतना ही लेना चाहता हूँ। याचना और भीख में यही फर्क है। भीख में कहीं कभी मन भरता नहीं है, कभी संतुष्टि नहीं होती। याचना दान देना और लेना ये ब्राह्मण के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बताया। मैं तुमसे जरूरत के अनुसार ही चाहता हूँ, ध्यान देंगे। देने के प्रसंग में बलि और वामन की कथा को आपने सुना है। जब देने जा रहे थे तो देने वाला भी बहुत महान है। जब कभी किसी को दो तो शालीनता से दो, तिरस्कार करके नहीं, बेमन होकर के नहीं, अहोभाव के साथ दो। देना मेरे द्वारा सत्कार्य का अनुष्ठान हो रहा है ऐसा समझ करके दो। बलि इसका प्रतीक है। जब गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि बलि तुम जो देने जा रहे हो सोच लो तुम्हारे साथ कहीं छल न हो जाए, उस समय बलि ने कहा है अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति। मैंने देने के लिए वचन दे दिया है, अब अपने वचनों से मैं वापस नहीं मुड़ सकता, कुछ भी हो। बलि और भगवान वामन के बीच जब ये सब प्रसंग चल रहा था, कहते हैं बलि की एक कन्या थी रत्नमाला, उसके मन में उस वामन अवतार के रूप में भगवान के प्रति बहुत भाव जगा था, प्रेम जगा था।